इलाकों को मिल चुकी थी, लेकिन बलोचिस्तान वाज इवन डिप्राइड ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबाई खुद मुख्तारी से उस वक्त भी बलोचिस्तान को महरूम रखा गया। तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब पाक बलोचिस्तान का केस लेके हमेशा जाते रहे, और आप लोगों में से शायद बहुत से लोग जानते होंगे, क्योंकि अगर आप मेरी और डॉक्टर मालिक साहब की बातों और वादों को इतना एतबार न करें, कम अज कम मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तो वादों बातों उनके जो करारदाद है उन पे तो आप मेरे ख्याल सब यकीन करते होंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने बलोचिस्तान तकरीबन कोई 11 से 12 विजिट किए आफ्टर 1940 स्पेशली टिल 1948 अक्टूबर, जिसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ वक्त की कमी, वरना मैं आपको डेट वाइज बता देता कि उन्होंने किस किस ऐवान में, सिब्बी दरबार में, मुस्लिम लीग की कन्वेंशन में, खवातीन की कॉन्फ्रेंस में, या खान ऑफ कलाद के साथ मुजाकरात में, कहां कहां पर उन्होंने खुद बलोचिस्तान के बारे में वही बातें की जो आज बलोचिस्तान का चरवाहा, जो आज बलोचिस्तान का नौजवान पहाड़ में बैठकर कर रहे हैं। दिस इज नॉट समथिंग न्यू कि बलोचिस्तान सबसे पसमानदा है, बलोचिस्तान को दानिस्ता तौर पर क्यों पसमानदा रखा गया। कल मैं और डॉक्टर मालिक साहब रस्ते में आके बात भी कर रहे थे कि हम पागलों को देख लो, पूरी दुनिया ने जो है, जहां बरतानवी साम्राज्य को कहा जाता था ब्रिटिश एम्पायर, जिस जहां पर सूरज तुलू जहां होता था उस पर कभी गुरूब ही नहीं होता था, उस जालिम साम्राज्य के सामने हम बलोच जो है बोलान पास पे खड़े हो गए कि हम तुम्हें यहां से गुजरने नहीं देंगे। हम वो हमारे किले पे चढ़ दौड़ा, हम 200 लोगों के साथ उसकी जो है हजारों फौजों का मुकाबला करने, बस शहीद पे शहीद देते गए कि दुनिया के अंदर जी। अगर हम उस वक्त अंग्रेज के साथ, फॉर इंस्टेंस, थोड़ी देर के लिए मैं आपको कहता हूँ, जरा अकमान साहब यही कह रहे थे, अगर हम अंग्रेज के साथ थोड़ी सी मुफाहमत भी कर लेते, आज बलोचिस्तान इस तरह की बदसूरत मेरे ख्याल सूरत हाल से दो चार ना होता। लेकिन क्या थी? डिग्निटी, रिस्पेक्ट था, लव फॉर इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम था, आजादी की जो ख्वाहिश, इंसानी आजादी की, इंसानी हकूक की जो ख्वाहिश आज आसमा जहांगीर के कॉन्फ्रेंस में आप लोग सब आके पेश कर रहे हैं, यही वो ख्वाहिश थी उस कम तालीम याफ्ता बलोच में, जिसने इतने बड़े सुपर पावर के सामने बोलान की रेलवे लाइन गुजरनी नहीं दी, सड़कें गुजरनी नहीं दी, उसको जो है यहां पर अपनी इस्तेमालियत कायम करने नहीं दी। तो दैट लव वॉज देयर, और क्या हुआ कॉन्सिक्वेंसिस में, उन गरीब 120 की करीब छोटी मोटी बड़ी जंगें जो है अंग्रेजों के खिलाफ हमारे लोगों ने लड़ी है, बलोचों ने, पश्तूनों ने, इस खत्ते के अंदर। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, जो जाहिद चौधरी साहब की किताब है पाकिस्तान की सियासी तारीख में, कभी आपको मौका मिले उसको जरूर पढ़िएगा, उसमें उन्होंने खुद डॉक्यूमेंट किया है। आज काजी फायजीसा साहब जो बात कर रहे थे, इनके वालिद मोहतरम जो है काजी मौदीसा साहब, वो खुद काफी दफा ये शिकायत लेके जाते थे कि भाई बलोचिस्तान के साथ ये ज्यादती क्या हो रही है। जब पाकिस्तान बना 1956 तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ये टॉपिक रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज वेल, सो वी हैव टू क्या कहते हैं सिंक्रोनाइज, क्या कहां पे बलोचिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल, अब चैलेंजेस क्या है। बलोचिस्तान का मसला सियासी भी है, बलोचिस्तान का मसला माशी भी है, बलोचिस्तान का मसला माशरती भी है, यानी सोशल, माशरती से मुराद सोशल। अब मैं आपको सोशल इंडिकेटर्स की कुछ थोड़ी बहुत मिसालें दे दूंगा, ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। बलोचिस्तान का मसला डेमोग्राफिक रिलेटेड भी है, ये इनसिक्योरिटीज है। बलोचिस्तान की महरूमियां कोई एक महरूमी नहीं है कि मेरे पास पीने का पानी नहीं है, मेरे पास इस्तेमाल करने के लिए आपकी सीपैक से पैदा होने वाली बिजली नहीं है, मेरे पास महरूमी सिर्फ ये नहीं है कि मेरे पास मोटरवे और मेरे पास जो है ऑरेंज ट्रेन सर्विस नहीं है, मेरे पास महरूमी सिर्फ ये नहीं है कि मेरे यहाँ स्कूल तालीम के जराए नहीं है, जिस तरह हमारे बच्चे एजुकेशन इमिग्रेंट्स बन गए, माइग्रेंट्स बन गए, देख रहे हैं कि आप जिस शहर में कूचे में जाएं आपको छोटे मोटे 2,000-3,000 के किराओं के कमरे लेके बच्चे तालीम के लिए पंजाब में, सिंध में, अब खैबर पख्तूनख्वा में भी जाके पढ़ रहे हैं। तो ये वो वजूहत हैं आपको बलोचिस्तान के, इफ यू रियली वांट टू नो बलोचिस्तान, इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू द क्रक्स ऑफ द मैटर, आप बलोचिस्तान का डिसेक्शन करना है, उसके चैलेंजेस का, तो आप फिर बलोचिस्तान के मसले का निकाल सकते हैं। इट्स नॉट सो इजी। राशिद रहमान साहब ने भी जब बड़ी खूबसूरत बात की, देयर वाज अ पॉलिसी ऑफ सप्रेशन, नॉट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट सप्रेशन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड कॉन्फ्लिक्ट सप्रेशन। आप एक तनाजा जब उठता है, क्यों उठता है? तकसीम पे उठता है, तफावत पे उठता है, ना बराबरी की बुनियाद पे उठता है, अदम मसावात की बुनियाद पे उठता है, इंसाफ की अदम फरामी की बुनियाद पे उठता है। तनाजे क्यों उठते हैं? तनाजे कहां खड़े होते हैं? इवन हम दोनों इंसानों के दरमियान, घर के अंदर तनाजे कैसे शुरू होते हैं? So, तनाजियात have basics, conflicts have basics. वो basics constitutional भी हो सकते हैं, political भी हो सकते हैं, economical भी हो सकते हैं, social भी हो सकते हैं, cultural भी हो सकते हैं, वो resource based भी हो सकते हैं, insecurity related हो सकते हैं, कि overall इन बलोच की identity को खतरा है इस वक्त, कि जो बलोच resist कर रहा है, जिस तरह आप किसी जानवर को बंद कमरे में ले जाएं, उसका गला दबाने की कोशिश करें, पकड़े यहां से वहां से पलान के, वो अपने आप की, वो that's the crisis overall is insecurity.
एंड व्हाट आर द इनसिक्योरिटीज जो मैंने आपको बयान किया कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, रिसोर्स बेस्ड, किसी भी चीज पे ले ले। कैसर बंगाली साहब यहां तशरीफ फरमाए, आई लव हिम बिकॉज ही हैज बीन द फर्स्ट पर्सन जब सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट सेंटर ने बनाया उस टू स्टडी बलूचिस्तान केस, जब मैं सेनेट में था तो मैं जब आता था तो ये जर्नलिज्म, मीडिया पर्सन सब कुछ तकरीबन मेरे गले से पकड़ते थे, आपकी तरह नौजवान हुआ करते थे कि बलूचिस्तान का मसला सरदारों का है, ये तो दो नवाबों का है, ये तो पगड़ी का है, ये तो राइटी का है, नवाब गफूर खान भुट्टी साहब लेते हैं, ये तो नोबडी वाज अंडरस्टैंडिंग बलूचिस्तान। तो मुझे याद है उस वक्त जब मैं जाता था, इंटरनेट गूगल शूगल कम हुआ करते थे, यूज टू गेट दिस डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर फ्रॉम डिफरेंट लाइब्रेरीज, और उसमें जब खाक पाक चांद के मैं देखता था तो एक रिपोर्ट मुझे उस वक्त मिली सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट सेंटर की, जिसमें बलोच पाकिस्तान के अंदर पहली दफा जो सूबों में तफावत है, जो इनइक्वलिटी है, जो तफरीक है यहाँ के शहरियों के दरमियान, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सिक्योरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 27 ले ले, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 36 ले ले, 37 ले ले, 38 ले ले, उसमें यह कहा गया है कि तमाम शहरी यकसां तौर पर बराबर होंगे, बराबर होंगे तो उसको बिजली भी मिलनी चाहिए, पानी भी मिलनी चाहिए, तालीम भी मिलनी चाहिए, जिस तरह की सड़क पर आप सफर करते हैं उस तरह की सड़क मिलनी चाहिए, जिस तरह की अच्छी खासी तजारत आप करते हैं उस तरह की तजारत के लिए उसको मौके मिलने चाहिए, उस पर आप बॉर्डरों पर उसके जो है वो बाड़ ना लगाएं, उसकी जो है ट्रेडिशनल उसका जो 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 हिस्टोरिकल उसकी रिलेशनशिप रही है इस खत्ते में, 2000 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है बलूचिस्तान एंड बलूचिस्तान, डोंट सी इट एज अ प्रोविंस। If you are a policy maker and if you want to resolve the Balochistan conflict, you have to see Balochistan as a region. It's not a province. You have declared it a province, a small province, but the psyche, the cultural identity, the resources, the landscape, the mountains, the deserts, they stretch behind your borders. वो अफगानिस्तान में चले जाते हैं हमारे पार, वो ईरान में चले जाते हैं, तो आपको बलूचिस्तान के लोगों की जब तक उस सेंसिटिविटी को, उस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को, उस डेमोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग को जब तक आप बलूचिस्तान की समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप नहीं पाएंगे। मैं एक छोटी सी दो चार मिसाल देके पर खत्म करता हूं, और भी दोस्त हैं बोलने वाले, पर्टिकुलरली इदायत रहमान साहब ट्रॉलर्स पे बोलेंगे, तिजारत पे बोलेंगे, जुल्म और ज्यादती जो हो रही है, इसलिए कुछ टॉपिक उनके लिए छोड़ दूंगा। स्टूडेंट्स रिलेटेड डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब ने बताया, मैं आप जब अभी एक रिसेंट रिपोर्ट है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो फिर कह गए ये तो जी एग्जैजरेट करते हैं बलोच, मैं जो ये मैं आपको कह रहा था कि आई ऑलवेज यूज्ड टू गेट कन्फ्रंटेड बाय दीस स्कॉलर्स एंड प्रोफेसर्स के जी, ये तो अब तो खुदा की मेहरबानी है, ये एनएचडीआर नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 यूएनडीपी का है, जिसके आज कंट्री डायरेक्टर भी यहाँ तशरीफ फरमा थे, तो उस रिपोर्ट में मैं आई वॉज अ पार्ट ऑफ द एडवाइजरी काउंसिल, Hafiz Pasha साहब was the co-author, I was myself and Hassan Iqbal साहब, हम इसके advisory council के member भी रहे। तो वो report अभी भी website पे available है 2020 का, उसमें आप देख लीजिएगा दुनिया के अंदर global human development index पे जो UNDP ने किया हुआ है 189 countries है, and 189 countries में जब global index जो value दिया गया है उसमें जब बलोचिस्तान को रखा गया है तो बलोचिस्तान का number दुनिया में 181वीं number पे आया है, यानी 181 बलूचिस्तान का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू बनता है वो 181 नंबर पे है। अब दुनिया में 181 नंबर पे आपके ख्याल में और कौन से ममालिक हो सकते हैं, आप मुझे बताएं। तो अगर आप शायद बलूचिस्तान नहीं गए हो, टीवी पे सोमालिया तो देखा है आपने, टीवी पे आपने सिरिलियोन का नाम तो सुना होगा जो ब्लड डायमंड की मूवी बनी थी जहां पे कह रहे थे कि जी मिलियंस के करीब लोग मारे गए, तो बलूचिस्तान इस वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सिरिलियोन के बराबर है, जहां 2001 और 2002 में जो है 10 लाख के करीब लोग जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट का, तनाजे का शिकार हो गए। मुझे सारा वेस्ट अफ्रीका देखने का भी मौका मिला है, काम करने का भी मिला है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू में आप अंदाजा लगाएंगे क्या है। इसके अलावा मैं आपको एक छोटे सा फिगर दूं, मतलब हमसे अक्सर पूछा जाता है कि जी आप क्यों पंजाब के साथ कंपेरिजन करते हैं, जब भी हम कोई बात कहते हैं तो मैंने कहा हम अपना कंपेरिजन किससे करें, हम राजस्थान से नहीं कर सकते, हम अमृतसर से नहीं कर सकते, पता नहीं 50-52 के करीब रियासतें हिंदुस्तान की, हम उससे साथ कंपैरिजन तो नहीं करेंगे अपना, ना स्वीडन के किसी स्टेट के साथ, ना जर्मनी के किसी स्टेट के साथ, हम 4 भाई हैं, वी आर पार्ट ऑफ द फेडरेशन। अब पांचवा आप गिलगित बल्तिस्तान को भी ऑलमोस्ट तकरीबन इक्वली सूबे का मिल गया है, तो जब हम आपस में कहते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है तो मेरे सामने कंपेरेटिव केस जो है वो या पंजाब का होगा या सिंध का होगा या गिलगित बल्तिस्तान का होगा या आजाद कश्मीर का होगा। तो उसमें मैं अब छोटी सी बात आपके सामने रख दूं, आप
शायद आपको हैरानगी होगी इस बात पे कि जो हमारे साथ ये प्रोविंस वाइज शेयर जो नेशनल इनकम में प्रोविंस शेयर इन एनुअल नेशनल इनकम इनकम यानी तरक्की के मैार में जो सूबों का ये रिपोर्ट है यूएनडीपी की जो नेशनल ह्यूमन जो मैंने कहा आपको कहा कि डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 की उसमें जो पॉपुलेशन है पंजाब का आपको खुद पता है 54% है और बलूचिस्तान स्टैंड 6.2 जो सोशल प्रोटेक्शन है व्हाट इज सोशल प्रोटेक्शन क्योंकि अगर मैं आपको इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और चाइल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स एक 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 बताऊं तो मुझे इधर कोई 2-4 घंटे लग जाएंगे बलूचिस्तान के केस को पेश करने तो आपको सिर्फ एक सोशल प्रोटेक्शन में क्या आता है तालीम आती है सेहत आता है आपको जो है बिजली आ जाती है अच्छी तवानाई आ जाती है डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो सारे आ जाते हैं तो सोशल प्रोटेक्शन में पंजाब 54% है हमारी आबादी का सोशल प्रोटेक्शन में पंजाब के का स्टैंडर्ड जो है 63.8% है यानी आबादी के हिसाब से आबादी के बाद से भी यहाँ पर जो सोशल प्रोटेक्शन का वैल्यू है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 63.8% है। फिर आते हैं सिंध के ऊपर सिंध की भी एक बदसूरत सूरत हाल है सिंध की 23% पॉपुलेशन है बट सोशल प्रोटेक्शन में सिंध जो है 17.2 पे स्टैंड करता है। खैबर पख्तूनख्वा ने बड़ी अचीवमेंट्स की है 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है उसका मर्ज एरिया जब उसमें शामिल हो गया अदरवाइज इट यूज्ड टू बी 72,000 लेकिन उसने बहुत इंप्रूव किया है उसमें इंडिकेटर्स आप देख लेंगे पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की 15.3% पॉपुलेशन है लेकिन उसका जो सोशल प्रोटेक्शन में जो वैल्यू है वो तकरीबन 17.2 यानी 2-3% आगे है। अब बलूचिस्तान का सोचिए मुझे आप में से कोई भी बता दे कि सोशल प्रोटेक्शन में बलूचिस्तान की आबादी जो है 6.2% है सोशल प्रोटेक्शन में बलूचिस्तान की वैल्यू किस पे होगी आबादी के बराबर तो नहीं उससे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि अगर पंजाब की सोशल प्रोटेक्शन में 63% है अगेंस्ट 54% तो क्या होगी आपको हैरत होगी कि बलूचिस्तान स्टैंड्स ऑन 2 अपनी आबादी से भी इसका मतलब यह है जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2016 में जारी किया गया है प्लानिंग कमीशन का मैं वर्ल्ड बैंक वाले का जिक्र नहीं करता मैं 2-3 और जो रिपोर्ट्स जारी हुए हैं यूएनडीपी के उनका जिक्र नहीं करता इसके प्लानिंग कमीशन के हसन इकबाल साहब आज आएंगे किसी एक उस पे उसमें जो है बलूचिस्तान जो है स्टैंड 71% पॉपुलेशन जो है गुरबत का शिकार है। तो कहने का मकसद ये है कि हम जो सोशल प्रोटेक्शन में फॉरेन रेमिटेंसेस में और डोमेस्टिक रेमिटेंसेस में ये क्या है फॉरेन रेमिटेंसेस आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करते हैं नौजवानों पर खर्च करते हैं यूनिवर्सिटियां बनाते हैं तालीम देते हैं डॉक्टर्स इंजीनियर साइंटिस्ट टेक्नीशियन टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स बनाते हैं वो बाहर के लोग मुल्कों में जाते हैं पैसा कमा के बेचते हैं। तो अभी आप अंदाजा लगाएगा दोबारा मैं यही कहूंगा कि पंजाब 66.5% फॉरेन रेमिटेंसेस है पंजाब के जो शहरी हैं वो बेचते हैं। इसी तरह सिंध वो फिर दोबारा नीचे 3% पे आके स्टैंड कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हैज इंप्रूव्ड अ लॉट। इसकी 2-3 और वजूहात हैं कैसर बंगाली साहब बैठे हैं मैं बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इश्यूज पे बात नहीं करूंगा वक्त की कमी भी आ गई तो वो ये है कि 3% पे सिंध आके खड़ा हो गया और खैबर पख्तूनख्वा 15% आबादी है उसकी लेकिन खैबर पख्तूनख्वा 30% फॉरेन रेमिटेंसेस बेचता है इसलिए कि वहां पर तालीम तरबियत ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यूथ की डेवलपमेंट पर इतना काम हुआ है कि इस वक्त पंजाब और तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा वो फॉरेन रेमिटेंसेस में और बलूचिस्तान का क्या होना चाहिए वैसे बलूचिस्तान को ये होना चाहिए हम मिडल ईस्ट से नजदीक है 2,000 किलोमीटर बॉर्डर हमारे लगते हैं ज्यादा मुल्कों तक हमें आने जाने की सहूलत होनी चाहिए थी लेकिन बलूचिस्तान स्टैंड्स ऑन 0.7 यानी 1% भी फॉरेन रेमिटेंसेस में नहीं है। डोमेस्टिक रेमिटेंसेस में जिसमें मुलाजमतें हैं जिसमें ये दूसरी तीसरी चीजें हैं उसमें बलूचिस्तान भी 1% पर सेल नहीं करता है। एक रिपोर्ट है जो कैसर बंगाली साहब ने अपनी किताब क्राइम फॉर जस्टिस में लिखी है जरूर पढ़िएगा जिसमें 2004 में एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने एक कमेटी बनाई एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट कमेटी एज वेल हम उसके जो पॉलिटिकल साइड पे सेनेट में बनी थी कि जी बलूचिस्तान के लोगों को रोजगार के जराये और मौके फराहम किए जाए। अगर पंजाब के अंदर पंजाब रेंजर्स में डेरा मुफ्ती का बच्चा खुजदार का बच्चा केज का बच्चा नहीं आ सकता है वाई फ्रंटियर कोर में या कोस्ट गार्ड में अभी तक जो भर्तियां हैं वो बाहर के सूबों से हो रही है 1,00,000 मुलाजमतें बलूचिस्तान की और मैंने जो उस वक्त कहा था कि द कॉन्फ्लिक्ट इन बलूचिस्तान हैज सर्टेन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डॉक्यूमेंटेड बेसिस Until and unless we are not going to
एड्रेस दीज इश्यूज, जिसमें एम्प्लॉयमेंट है, दूसरी चीज है। तो आखिर में मेरे ख्याल में नौजवानों की बात कर दी गई। आइए, लाहौर में हमारे बच्चे आपके मेहमान हैं, बिलखसूस मुझे पता है इतना ज्यादा लाहौर से बहर के भी बैठे हैं, ये आपके मेहमान है। आपने कभी सुना होगा लंदन में कोई पढ़ने जाता है उसको तंग किया जाता है, उसकी रेशल प्रोफाइलिंग की जाती है, हरासमेंट किया जाता है, किया जाता है। वी नो दैट इमिग्रेशन वाले करते हैं, इवन हमारी भी करते होंगे, लेकिन दे डू इट वेरी डिसेंटली। तो ये जो कुछ अरसे से हमारे नौजवानों में थोड़ी सी तशवीश पाई जाती है, दे फील इट दैट दे हैव बीन एग्रेसिवली मॉनिटर्ड। हर किसी को शक और शुबे की निगाह से देखा जाता है। हम सियासतदान तो मशकूक तो हैं, लेकिन कम से कम ये बच्चे जो यहाँ तालीम हासिल करने आए हैं, तो वी रिक्वेस्ट यू के रिस्पेक्ट देम, बिकॉज ये आपके हमारे एम्बेसडर्स हैं, ये पंजाब से कोई अच्छी जो यादें लेके आएंगे बलूचिस्तान में। तो ये जो नेशनल कोहेजन है, यूनिटी है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट है, सिटीजनशिप जो रेस्पेक्ट है, वो इसी से बढ़ता है। शुक्रिया आप सबका। मैं ये क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ, पंजाब बड़ा बदनाम है, बलूचिस्तान में हो, बाकी पाकिस्तान में हो, लेकिन ये पॉलिसियाँ पंजाब के आवाम की नहीं है, ये पंजाब की एलीट और पंजाब की स्टेट इंस्टीट्यूशन जिनको डोमिनेट करता है पंजाब, उनकी पॉलिसियाँ हैं। लोग आपके साथ अब मैं इन्वाइट करूंगा।